देखिएगा, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझिए क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि देखेंगे आप कि पंखा है, ठीक है, ये फैन चल रहा है, तो ये फैन कौन ऑपरेट कर रहा है? ये फैन इलेक्ट्रिकल पावर से ऑपरेट हो रहा है। हम किसी सप्लाई से इलेक्ट्रिक पावर भेजते हैं और वो जो इलेक्ट्रिक पावर है उसी से ये जो फैन का मोटर है, ये मोटर जो है रोटेट होता है, उसी की वजह से फैन चलता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है इधर आके मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से पंखा चलता है। जैसे आपने देखा होगा अपन पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं या बोरिंग से निकालते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रिक मोटर भी कैसे रन करता है? इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई से। ये जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई है ये किस फॉर्म में आती है? ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आती है। जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई है तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आती है। करंट फ्लो हुआ किसी भी कंडक्टर के थ्रू, नया वर्ड आया कंडक्टर क्या है, तो वो सारी डिवाइसेस, वो मटेरियल्स जो करंट को फ्लो होने देते हैं या कंडक्शन को अलाउ करते हैं या चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं, दीज आर कंडक्टर्स। तो जब भी हम कोई अप्लायंस को अपन स्टार्ट करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम अप्लायंसेज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर से रन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक इलेक्ट्रिक ब्रेक, उसी को पावर ब्रेक भी बोलते हैं। सुना होगा आपने, पहले अपन ड्रम वाला ब्रेक जानते थे। ड्रम वाले ब्रेक में अपन ने एक बार पैडल मारा, फिर दोबारा पैडल, फिर दोबारा पैडल, इस तरीके से बहुत बार अपन उसको क्या करते थे, पुश करते थे, उसके बाद भी ब्रेक जो है प्रॉपरली काम नहीं करता था। हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रेक, हमने जैसे उसको पुश किया, पुश करने के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ब्रेक कैसे वर्क करता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हैं, आगे जाके मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि ब्रेक का फंक्शन कैसे होता है। फिलहाल ये समझें कि ब्रेक भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से काम करता है। पावर ब्रेक जो मतलब है वो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई से ब्रेक का काम करता है, किसी बॉडी को रुकाने का काम करता है, किसी व्हीकल को कंट्रोल करता है, तो उसका नाम इलेक्ट्रिक ब्रेक है। वो इलेक्ट्रिक ब्रेक भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पे काम करता है। इसे अपन देखते हैं, मिक्सर है, ग्राइंडर है, जूसर है, कुछ भी है, इन चीज़ों का भी क्या है, हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देते हैं और उसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है ये किस फॉर्म में है? ये करंट के फॉर्म में। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का यही मतलब है कि जिस चीज़ से, जिस सप्लाई से, जिस पावर से इतने सारे अप्लायंसेस रन करते हैं, इतनी सारी मशीनरीज रन करती हैं, हमारी सराउंडिंग जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंड है, ठीक है ना। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। आज जैसे मान लीजिए इधर ही है ये कैमरा, ये भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पे है, वो अलग चीज़ है, इसमें अपन बैटरी यूज़ करते हैं या उसका प्रिंसिपल अलग है, हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। फिर भी अभी आगे भी अपन बैटरी पढ़ेंगे, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो इतने सारे अप्लायंसेस हैं, इतनी सारी डिवाइसेस हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पावर से रन हो रहे हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पावर से रन हो रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है कैसे ये, उसी के लिए अपन ने ये टॉपिक इधर पर लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतने सारे अप्लायंसेस, इतनी सारी डिवाइस, इतनी सारी मशीनरीज हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर से रन होती हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर कैसे आता है। तो इलेक्ट्रिक पावर करंट के फॉर्म में आता है, हम वो भी समझेंगे ये करंट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का यही मतलब है कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल पार्ट है। अब जैसे करंट की हम दो फॉर्म यूज़ करते हैं, दो टाइप का करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट है, एक डायरेक्ट करंट है। अपन इधर पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इधर अपन डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, मेन जो अपन बोल सकते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेट करंट क्या है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बात समझे। अब डीसी करंट मतलब यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लो होता है तो डायरेक्ट करंट मिलता है। लेकिन वहीं कहीं चार्ज अगर किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड में क्या करता है, ऑसिलेट करता है या पीरियडिक मोशन करता है या पीरियडिक मूवमेंट करता है, तो उसे अपन अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मतलब करंट क्या, मोशन ऑफ चार्ज है। बात को समझिएगा, ऐसा समझे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, समझिए ना। करंट दो टाइप से हमारे लिए यूजफुल है, एक डीसी करंट, दूसरा क्या एसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज का मूवमेंट है वो किसी फिक्स या मीन पोजीशन के अराउंड में
ऑसिलेटरी मोशन करता है या पीरियडिक मोशन करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में जो चार्ज का फ्लो है वो यूनिफॉर्मली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है ना। अपन बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर के एंड्स हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर ये सेक्शन ले लेता हूं, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। और इसमें ना बहुत सारे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं। ये चार्ज कैरियर्स की कहानी क्या है, अपन बात कर रहे हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, या चार्ज को मूव करने के लिए जो स्पीसीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो उनमें अवेलेबल होते हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं, अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर हम हालांकि पहले भी आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स बता चुके हैं, फिर भी इधर बताना चाहते हैं। कंडक्टर मेनली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पहला तो क्या मेटालिक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। एक होता है क्या मेटालिक कंडक्टर, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जनरली जो अपन ये वायर यूज करते हैं ना, ये जो केबल यूज करते हैं अपन कंडक्शन में, ये मेटालिक वायर कहलाती है, और इस ये भी क्या एक टाइप का कंडक्टर है, ठीक है ना। ये जो हम केबल यूज करते हैं यही है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक वायर। तो इसमें खास बात क्या होती है, जैसे कि कोई भी एटम है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंड होते हैं, ठीक है ना, या लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और उन्हीं को अपन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री है मूव करने के लिए, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जब कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने दो कंडक्टर मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, कंडक्शन करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं। आयंस मतलब चार्ज स्पीसीज, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और क्या नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने ये कंडक्टर लेट किया हुआ है, इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ये मेटालिक कंडक्टर है, समझ लो ये वायर है। क्या है ये वायर, वायर है मतलब इसमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इनिशियली अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है। जो आज इसमें अभी भी मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो मूवमेंट है, एक डेफिनेट डायरेक्शन, कोई ऐसा डायरेक्शन का भी इशू नहीं है कि किसी फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, बट वो मूव कर सकते हैं और कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको, इस मेटालिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, इसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे, तो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इस मेटालिक कंडक्टर या वायर को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो यही जो कंडक्टर है इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, समझिए ये अगर पॉजिटिव एंड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये नेगेटिव एंड है, या अपन ऐसा बोल दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके एंड्स में ना पोटेंशियल डेवलप होता है, वही पोटेंशियल ना इधर पे क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, वही इलेक्ट्रिक प्रेशर इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराता है, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराता है। तो सोच के चलिए, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्ज इस पर्टिकुलर सरफेस से क्रॉस होता है, अगर डेल्टा क्यू चार्ज इस पर्टिकुलर सरफेस से डेल्टा टी टाइम में अगर क्रॉस होता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज करंट बोल सकते हैं। मतलब करंट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम या यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है ना। क्या कहलाएगा ये, एवरेज करंट कहलाएगा। अगर हम इसी टाइम पीरियड को बहुत स्मॉल कर दें, ठीक है ना, तो यही करंट क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगा। ये डेल्टा क्यू बन जाएगा डी क्यू, और डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। हाई इंस्टेंटेनियस डी क्यू अपॉन क्या, डी टी। आगे समझिए, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। तो टोटल चार्ज क्यू कैसे निकालेंगे आप, आई डी टी, कहां से कहां तक, स्टार्टिंग टाइम टी वन से ले कहां तक, टी टू तक। अगर आपको कोई ये कहे कि कोई फंक्शन क्यू किस तरीके से है, आई डी टी है, तो बताइए उस क्यू का वैल्यू क्या होगा। अगर करंट आई T1 से लेकर T2 तक फ्लो होता तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो ये होगा क्या, I T1 से लेकर T2 तक IDT, टोटल चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से आप फ्लोइंग चार्ज का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, करंट का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, एवरेज करंट भी, और क्या, इंस्टेंटेनियस करंट भी। आगे समझिएगा,
इसके बाद होता क्या है, करंट का यूनिट क्या हुआ ये भी समझिए, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू क्या देख लिया आपने, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज मतलब वन कूलाम, टाइम मतलब क्या वन सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो अगर हम चार्ज की वैल्यू वन कूलाम ले रहे हैं और टाइम की वैल्यू वन सेकेंड ले रहे हैं तो करंट का अमाउंट क्या आएगा बोलिए, वन एम्पियर आएगा। करंट का अमाउंट क्या आएगा, वन एम्पियर। आप वन एम्पियर को डिफाइन भी कर सकते हैं, वेन एवर वन कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम वन सेकेंड, क्लियर, इज कॉल्ड क्या वन एम्पियर। व्हाट इज द वन एम्पियर करंट, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, सॉरी वन एम्पियर करंट क्या है, वेन एवर द वन कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम वन सेकेंड द करंट विल बी वन एम्पियर। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए। या ऐसा है, क्यू का वैल्यू वन कूलाम रख दिया, टाइम का वैल्यू वन सेकेंड, तो करंट क्या आएगा वन अपॉन वन, वन एम्पियर। क्लियर हो गया, तो कूलाम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और एम्पियर भी बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट करंट का एम्पियर है। और जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, आगे समझिए। इसी के साथ आपको जानना है करंट के बाद करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, देखिएगा करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी समझिएगा, करंट डेंसिटी मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर सरफेस है और इसका एरिया कितना है, ए है, और परपेंडिकुलरली इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या, करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और जे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हैं बात को, व्हाट इज द करंट डेंसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या, करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आगे समझिएगा, जे इज इक्वल टू क्या, आई अपॉन ए। अगर मैं ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी कंसिडर कर लूँ इधर पे, और इस पी के किसी पर्टिकुलर राउंड एरिया से, डेल्टा ए एरिया से अगर डेल्टा आई करंट पास हो रहा है, तो जे एवरेज का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। अगर हम डेल्टा ए को बहुत छोटा कंसिडर कर लें, डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, तो जे इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस डी आई अपॉन क्या, डी ए। अगर हम इस पूरे सरफेस के इन्फाइनाइटेसिमल पार्ट कर दें और उस पार्ट का नाम क्या हो, डी ए हो, और उसके थ्रू अगर डी आई करंट परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहा है, तो जे इज इक्वल टू क्या आएगा, डी आई अपॉन डी ए। जे इज इक्वल टू क्या आएगा, डी आई अपॉन डी ए। लेकिन अगर वाकई में ये जो अमाउंट ऑफ करंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये सरफेस है और करंट ऐसे निकल रहा है, ये जा रहा है करंट डी आई, और ये सरफेस क्या है, डी ए, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आप देख रहे हैं जे इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो करंट के डायरेक्शन में डी ए क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। तो डी आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी ए, ठीक है ना, हम डी आई ओ क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी ए। इसका मतलब करंट स्केलर क्वांटिटी है और जे और ए दोनों क्या है, वेक्टर है, मतलब करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या, जे एंड डी ए। टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए, टोटल करंट कितना आएगा, जे डॉट डी ए। इस तरीके से आप करंट का अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं इधर पे, और जे यहाँ पे क्या है, जे क्या है इधर पे, करंट डेंसिटी है, समझ में आ गया। जे का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, समझिएगा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई अपॉन ए होता है, करंट का यूनिट क्या, एम्पियर, और एरिया क्या, मीटर स्क्वायर। तो आपको करंट डेंसिटी भी मालूम चल गई और करंट भी मालूम चल गया। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप सारे के सारे, समझ में आ रहा बराबर, चलिए आगे देखिए। इसके बाद आप समझें थोड़ी देर के लिए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सुना होगा आपने, अगर किसी कंडक्टर में या किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, उसके एंड्स पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है उसी की वजह से चार्जेस में मूवमेंट स्टार्ट होता है या इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो करंट कहलाता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा
उतना ज्यादा करंट का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं सिर्फ आपको ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से रिलेट कराने जा रहा हूं। एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू इट। अगर इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी डेवलप हुआ है तो इसके थ्रू क्या होगा, आई करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, आई करंट कन्वेंशनली करंट को समझते हैं कि ये अलोंग द पॉजिटिव अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। करंट के डायरेक्शन को ऐसे मानते हैं कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना उसी तरफ करंट मूव करता है, मतलब करंट का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, या ऐसा बोल दें अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मेटालिक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो करंट का मूवमेंट किस तरफ होगा, करंट का मूवमेंट इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट का मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा कंसीडर किया गया, ऐसा सेट किया गया और देखा भी गया इसको प्रैक्टिकली, आगे समझिएगा। तो ये कंडक्टर है, अगर इसके एंड्स पे भी ए माइनस भी बी कितना, अगर इसको भी अज्यूम कर लें, क्योंकि बी को हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी वो लोकेशन है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर में और करंट कितना कितना फ्लो होता है, आई होता है, तो हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए भी अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही बात ओम कह रहे थे, क्या कह रहे थे ओम, अगर हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेट करते हैं तो उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो होने लगता है, वो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अगर आप इधर पर पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट बढ़ा भी देते हैं तो करंट का अमाउंट भी कंसिक्वेंटली बढ़ जाएगा, करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ करंट भी उसी के मैनर में चेंज हो जाएगी जिस मैनर में आपने पोटेंशियल को चेंज किया है। फाइनली भी अपॉन आई क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा। भी अपॉन आई क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसी भी अपॉन बोला गया रेजिस्टेंस, बोला गया क्या, बोला गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, आपको लग रहा होगा रेजिस्टेंस भी और आई पर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। रेजिस्टेंस ना तो भी पर डिपेंड करता और ना ही आई पर डिपेंड करता है। ये है क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द क्या चार्ज, टू फ्लो द क्या करंट। ये रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जो वहां पे चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो होने वाले चार्ज को रेसिस्ट करता है। ठीक है ना, ये वी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, समझिएगा, ये कुछ और चीजों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। फिलहाल समझिएगा, यूनिट ऑफ आर इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, आप देख रहे हैं वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और आई करंट का क्या होगा, एम्पियर। तो मन क्या बोल सकते हैं, बोल्ट पर एम्पियर, क्या बोल सकते हैं, बोल्ट पर एम्पियर। बट इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया है, ओम, क्या रखा गया है, ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या रखा गया है, ओम, और इसका सिंबल होता है क्या, ओमेगा। कोई आपसे बोले कि ओम को डिफाइन करिए, वन ओम को, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, वेन एवर वी अप्लाई द वन बोल्ट ऑफ वोल्टेज एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर, वेन एवर वी अप्लाई द वन बोल्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर या वन बोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, देन एंड वन एम्पियर करेंट विल फ्लो थ्रू द क्या कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस विल बी वन ओम। ठीक है ना, इफ इफ वेन एवर वी अप्लाई द वन बोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड वन एम्पियर करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस विल बी वन ओम। ठीक है ना, अगर वन बोल्ट का पोटेंशियल आप किसी कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर में फ्लोइंग करंट वन एम्पियर देखने को मिलता है तो समझिए उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, वन ओम है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, वन ओम, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। उसके बाद दूसरा क्या है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, क्या है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर तो थ्री डायमेंशन का होता है ना भाई, तो डायमेंशन में दो चीजें, पहला तो लेंथ और दूसरा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस तरीके से रिलेट होता है, अगर आप लेंथ बढ़ाते चले जाते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है, अगर आप एरिया बढ़ाते चले जाते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है। मतलब कि रेजिस्टेंस L और A पे कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है।
लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस जो है ना मटेरियल ऑफ कनेक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसको मिटा देते हैं, मटेरियल ऑफ कनेक्टर पे भी डिपेंड करता है, समझिएगा। जैसे कि R इज इक्वल टू अपन इसको क्या लिखेंगे, रो L अपॉन A। ये रो क्या है, रो रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे ना अपन किसी मटेरियल को डिफाइन करते हैं तो मटेरियल में डेंसिटी की बात करते हैं बार बार। डेंसिटी ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो रेजिस्टेंस में भी वैसे ही हम किसकी बात करते हैं, रेसिस्टिविटी की बात करते हैं। रेसिस्टिविटी भी ऑब्स्ट्रक्शन है, रेसिस्टिविटी भी करंट के चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की बात है, ठीक है। ये कैसी बात है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की बात, ऐसा समझो। हम रेजिस्टेंस को बताते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कनेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करता है। फिर रेसिस्टिविटी क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है ये मटेरियल के कोने कोने में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उस मटेरियल कोई छोटे छोटे टुकड़ा भी काट लेंगे आप तो वहां रेसिस्टिविटी ना उतने ही अमाउंट पे प्रेजेंट है, जैसे कि डेंसिटी होती है, ठीक है ना। मास और डेंसिटी को अलग अलग डिफाइन करते हैं ना अपन, बस सेम वही सिचुएशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर क्या रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, यूनिट क्या होगी, यूनिट इसका यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। चलिए आगे समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। अगर आपने कंडक्टर का मटेरियल चेंज नहीं किया तो चाहे आप लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, करंट ज्यादा यूज करो, कुछ भी करो, रेसिस्टिविटी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और इसी से कंडक्टिविटी डिस्क्राइब होती है। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको करंट डेंसिटी बताया था अभी अभी, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर लिया हुआ है, उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी किस तरीके से हम बताएंगे, समझिएगा। तो कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिस्टिविटी। मान लीजिए हम जे की बात कर रहे हैं, जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए। जे का फॉर्मूला क्या, आई अपॉन ए, और ओम के हिसाब से आई का मतलब क्या, बी बाई आर। ओम के हिसाब से आई का मतलब क्या, वी बाई आर। तो जे इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी। वी को अपन क्या बोलते हैं यार, फील्ड इनटू सेपरेशन ऑफ द, या फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। फील्ड इनटू क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ एल ले लो यार, सॉरी आर। आर का फॉर्मूला क्या बोलो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इनटू ए तो था, ए से ये कट जाएगा, एल से कट जाएगा, क्या बचा, ई बाई रो, और हम वन बाई रो क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा। तो जे इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा ई। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई। ये बताना चाह रहा है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर ई यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर ई जीरो है तो करंट और करंट डेंसिटी भी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो समझ में आया, कंडक्टिविटी भी समझ में आ गई और रेसिस्टिविटी भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, आप क्या देख रहे हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने लेंथ को इतना कर दिया, उतना कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा, या मैंने एरिया को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, और तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो वही बताने जा रहे हैं। देखिएगा, क्लियर हो रहा ना सारा कुछ, जो क्लियर नहीं हो ना मैसेज कीजिएगा। देखिए जल्दी से, मैं देखना चाहता हूँ चेंजेस इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंजेस इन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, समझिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि कोई कंडक्टर है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, कंडक्टर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो बताइए लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा। देखिएगा, हमने क्या बोला, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वॉल्यूम फिक्स रखना है, आर इज इक्वल टू रो, मैं लेंथ की वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मुझे नीचे वॉल्यूम फिक्स रखना है, एरिया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, एरिया इनटू हाइट, मैंने लेंथ का मल्टी डिवाइड कर दिया, तो रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब देखिए रो भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, पहले बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तब तो रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू क्या, एल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर। इफ देयर इज
स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में बहुत थोड़ा चेंज होता है, 1-2 ऐसा बस, 1-2 तक ही, अगर लेंथ में बहुत ही थोड़ा चेंज होता है, छोटा अमाउंट का चेंज होता है, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन लेंथ, देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 2 times द परसेंटेज चेंज इन लेंथ. क्लियर हुआ? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द 2 times ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ. कंडीशनल याद रखेगा, लेंथ में अगर चेंज बहुत ही कम होता है, 1%, 0.1%, 2%, 0.2%, तभी जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. तो समझ में आ गया लेंथ से किस तरीके से रिलेट है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. अगर लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा. क्या हो जाएगा बोलो, 4 times. अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो, सॉरी, लेंथ को हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, 1/4 हो जाएगा. समझ आ गया ये चीज? चलिए नोट करिए. अब देखिए, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन एरिया. समझिएगा, जनरली अपन क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर कंसिडर करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. समझिएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. मुझे ए का वेरिएशन चाहिए, मुझे वॉल्यूम फिक्स रखना है. मैंने क्या कर दिया, ए का मल्टी डिवाइड कर दिया, एल इंटू ए, तो वॉल्यूम कहलाता है. रो वी अपॉन क्या, ए स्क्वायर, दोनों कॉन्स्टेंट है. आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया. आगे समझो, आर वन अपॉन आर टू क्या आ गया, ए टू स्क्वायर अपॉन क्या, ए वन स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना. आगे समझो, एज एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. मतलब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देन आर वन अपॉन आर टू विल बी आर टू द पावर 4 अपॉन आर वन टू द पावर 4. मतलब आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन होल पावर क्या, 4. ये समझिएगा. इस तरीके से आप रेडियस में चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस के चेंज को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना, ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है ना, रेसिस्टिविटी भी क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया. समझ आ रहा है, करंट डेंसिटी भी समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया. ओम्स लॉ भी क्लियर हो गया, जितना भी बाहर बाहर. अब अगली जो कहानी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है. ठीक है, जब तक आप इसको नोट करिए, देखिएगा अभी कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं हम, है ना. रेजिस्टेंस बता दिए थे आपको, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स बता दिए थे, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इट्स अ रेजिस्टेंस बिल. समझिएगा, जो लेंथ में चेंज है वो कितना है, परसेंटेज चेंज 0.1%. आप ही देख रहे हो, तो ये लेंथ में कैसा चेंज है, बहुत ही स्मॉल चेंज है. 0.1% तो स्मॉल ही होता ना, 0.1% चेंज है, तो रेजिस्टेंस का चेंज अपन कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से. बताया था मैंने 2 times ऑफ चेंज इन परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 into लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज है, 0.1%, कितना आएगा, 0.2% आएगा. तो रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन हुआ, 0.2%, अगर लेंथ में 0.1% का चेंज है. समझ में आ गया, चलिए देखिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. सीधा फॉर्मूले पे था. एक और क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ठीक है, इस बार लेंथ में कितना चेंज है, इस बार लेंथ में चेंज है 10% चेंज है. मुझे तो 10% कम होता होगा, 10% बहुत है, 10% चेंज कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है. ठीक है ना, 10% सफिशियंटली क्या है, लार्ज है, ये स्मॉल नहीं है, हमें रेजिस्टेंस में चेंज देखना है. समझिए, लेंथ में कितना चेंज है, 10% है. हम बात करें डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यह है समझ लें अपन, आर इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू एल वन स्क्वायर अपॉन क्या, एल टू स्क्वायर, या आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू होल स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस पहले वाला अपन आर कंसिडर कर लेते हैं, बाद वाला हमको मालूम ही नहीं है. ठीक है, इनिशियल वाले को अपन ने आर वन बोल दिया, या आर वन ही लिखा रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एल वन पहले जितना भी था, ठीक है, एल वन हो गया. बाद में जो लेंथ हो गया है वो कितना हो गया है, एल वन प्लस 10% ऑफ एल वन होल स्क्वायर. कितना हो चुका है,
L1 प्लस 10% ऑफ क्या L1, तो R1 अपॉन R2 कितना देखा आपने, L1 अपॉन 110 अपॉन 100 L1 होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 कितना है 100 अपॉन 110 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 कितना है 100 अपॉन 121, तो R2 अपॉन R1 कितना हो गया 121 अपॉन 100, इसका मतलब R2 कितना हो गया R2 हो गया R1 इंटू 1 प्लस 21 अपॉन 100, R2 कितना हो गया R1 इंटू 1 प्लस 21 अपॉन 100, तो R2 कितना हो गया R1 1 प्लस 21%, 21 अपॉन 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21%, तो R2 कितना हो गया R1 प्लस 21% ऑफ R1, मतलब इसमें चेंज कितना हो गया, इसमें पहले के करस्पॉन्डिंग में या पहले के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया 21%, ठीक है ना, तो R1 के रेफरेंस में चेंज कितना है 21% है, कितना चेंज है 21%, क्लियर। अगर लेंथ 10% इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा 21% इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा 21%। दोनों प्रॉब्लम बताने का ये मतलब है कि क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, मैंने वो जो आपका लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था वो किसके लिए है, फॉर स्मॉल लेंथ के लिए, किसके लिए है फॉर स्मॉल लेंथ, ये लेंथ स्मॉल नहीं है, इसमें तो काफी अच्छा चेंज है, 10% काफी होता है, सफिशियंटली लार्ज, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करा और आप देख पा रहे हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कितना आ रहा है 21% आ रहा है, इसको मैंने R1 को ट्रांसपोज कर दिया, फिर इस R1 को नीचे ले आएंगे इस तरीके से, समझ आ गया, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, बन जाएगा, नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट करिए, तो कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। तो लेंथ में वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस का वेरिएशन कुछ इस तरीके का होगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हालांकि इस टॉपिक में इससे स्टैंडर्ड नहीं आते क्वेश्चन, अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बस आपको जानने की जरूरत है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए और देख लीजिए, और इसमें वैसे रेजिस्टेंस के ऐसे प्रॉब्लम है नहीं लेंथ और एरिया की वजह से, चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, एक जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है तो आप चार्ज का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको टी वन से लेकर टी टू तक I डी टी, ठीक है, अगर I इधर पे फंक्शन ऑफ टाइम है तो टी वन से लेकर टी टू तक में कितना चार्ज फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ठीक है ना, समझिएगा, मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि I जो है कोई फंक्शन है, I नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी, I जो है वो क्या है I नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी, ठीक है ना, हमें टोटल चार्ज की बात कर रही है, तो क्यों इधर पे I नॉट का वैल्यू भी दिया है, I नॉट का वैल्यू है 20 एम्पियर, ठीक है, I नॉट का वैल्यू कितना 20 एम्पियर है, अल्फा का वैल्यू पाई बाई टू है, अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाई टू, चलिए आगे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम क्या है 3 सेकंड में पूछ रहा है, इनिशियल से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, मतलब इनिशियल टाइम 0 और आफ्टर क्या 3 सेकंड पता करना है आपको, ठीक है ना, 0 से लेकर कहां तक 3 सेकंड तक आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी डी टी, आगे समझिए, आई नॉट तो इनिशियल कॉन्स्टेंट हो गया, आई नॉट डी टी 0 से लेकर 3 तक, प्लस अल्फा भी कॉन्स्टेंट हो गया साइन पाई टी डी टी 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक, आगे समझो, आई नॉट कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा टी, प्लस अल्फा तो कॉन्स्टेंट ही है, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस पाई टी, साथ ही साथ मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बताया होगा, साइन टी का फॉर्मूला पता था, साइन पाई टी का नहीं पता था, तो पाई टी को हमने यू लेट करा होगा तो यहाँ डी यू अपॉन यू हो जाएगा, तो अपॉन में पाई आता है, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 3 तक, आगे समझिए, आई नॉट बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अल्फा बाहर है, अपॉन पाई बाहर है, ये माइनस भी बाहर है, अंदर क्या बच रहा, कॉस 3 पाई माइनस कॉस 0, आगे समझिएगा, 3 आई नॉट माइनस अल्फा अपॉन पाई, कॉस 3 पाई का वैल्यू हुआ माइनस 1 और कॉस 0 का वैल्यू क्या हुआ माइनस 1,
क्या आ गया बोलिए, 3i0 + 2α/π। अल्फा का वैल्यू क्या था बोलो, π/2, तो 2α क्या होगा भाई, पाई होगा। अरे अल्फा का वैल्यू क्या है, π/2, तो 2α क्या होगा, पाई। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 3i0 + π/π कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा बोलो, 3i0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3i0 + 1, सॉरी 3i0 + 1। आगे देखिए, आई नॉट का वैल्यू कितना था, 20 था, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 20 + 1, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 61 एम्पियर, सॉरी चार्ज था, तो 61 कुलाम, सॉरी 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 आई नहीं था, क्यू था, क्यू 61 कुलाम, क्यू, तो क्यू कितना आ गया बताइए, 61 कुलाम आ गया। क्या प्रॉब्लम बताइए, अगर करंट इस तरीके से वैरी करता है, I नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी के टाइम से वेरी करता है, या इस तरीके से करंट जो है टाइम पे डिपेंड करता है, तो 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 61 कुलाम चार्ज फ्लो होगा। समझ में आ गया? तो मैंने जो दोनों आपको टाइप बताए, उन दोनों के प्रॉब्लम इस तरीके से आपको आएंगे, ठीक है ना। ग्राफ से भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है और उसका आपको ग्राफ दे दिया गया है, और ग्राफ में बोलता है कि T1 से लेकर T2 तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू पे चार्ज क्या होगा, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व लगाना है उस पर। समझ आ गई ये चीज, जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट करिए, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी होंगे, थोड़ा सा टॉपिक जैसे एक सिक्वेंस में हमारे हाथ में आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी वो टॉपिक ही जो है वो है नहीं। समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर मतलब मेटेलिक कंडक्टर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री हैं भाई, वो तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल के अंदर का थर्मल एनर्जी था, उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लेकिन उस मूवमेंट का ना कोई मोशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं किधर से जाएंगे, वो थर्मल एनर्जी है, उन्हें जहां मौका मिला जैसे भी पा सके, और उनमें मूवमेंट चलता रहता है, वो मूवमेंट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक पाथ में नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। तो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली उनमें मूवमेंट हो रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी हो रहा हो। बाद में हमने उस कंडक्टर को उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख दिया, समझ लीजिए ये वो कंडक्टर था, मेटेलिक कंडक्टर था, इनिशियली जब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इसके चारों तरफ, ये बिल्कुल एकदम किसी अलग जगह पे है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कहीं भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, कहीं पे भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा, जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देने के बाद रखा, तो ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना, कुल मिला के अपना तो मतलब चार्ज कैरियर से हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है। पहले तो सब कुछ पॉजिटिव चार्ज को ही मान रखा था, करंट का मोशन मतलब पॉजिटिव चार्ज का मोशन, बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो जैसे ही देखा अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, या इस कंडक्टर को उठा के किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए, तो जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे शिफ्ट किया, ये जो चार्ज हैं ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, आप भी देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फील्ड है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप क्या देख रहे हैं, सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं इस तरह मूव करने लग जाएंगे, और सारे पॉजिटिव चार्जेस किस तरह मूव करने लग जाएंगे, इस तरह मूव करने लग जाएंगे। अब चूंकि हमको पता है ये मेटालिक कंडक्टर ही है, हमने इसको ही एक्सपेरिमेंट में यूज किया, तो मेटालिक कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन बस शो कर रखे हैं। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहा हूं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये सारे चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, इनको एक पर्टिकुलर पाथ मिल गया जहां पर इनको मूवमेंट करना है। लेकिन इस मटेरियल में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, जैसे ही ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचे, इनकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है,
अब ये ना, अब ये बिना इन्फ्लुएंस के थे जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं, तो अब ये खुद से मोशन नहीं कर रहे हैं, अब ये मोशन करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इन्फ्लुएंस इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा और एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या करेगा, अलाउ करेगा या प्रेशराइज करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये सारे चार्जेस अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही मूव करेंगे। समझिए, हो सकता है ये पर्टिकुलर सेक्शन ले लो आप, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, और इसकी विड्थ बहुत छोटी एक्स रख लो, ठीक है ना, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यार इधर पे अब क्या कर दें, एस ले लेते हैं, चलो ठीक है, एरिया अपनी नहीं यार, तो इनका नाम कुछ और रख दें, इसका नाम पी रख दो, इसका नाम क्यू रख दो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं। समझना बात को, बहुत आराम से समझना। तो होता क्या है कि अपन ने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सब फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे, ठीक है, इनका मूवमेंट स्टार्ट होना है। लेकिन सोचने वाली बात, इधर पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट पाथ पे मूव तो करेंगे, लेकिन आगे जाके उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन। डेंसिटी ज्यादा होने से बहुत 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 ज्यादा उन्हें कोलिजन का सामना करना पड़ेगा, और इस कोलिजन से लगातार इनका पाथ जो है वो क्या होता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चला चला चला, ये आया इधर गया, इधर गया उधर गया, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है बैंड हो चुकी है, बहुत ज्यादा जिगजैग पाथ क्या करता है, ये जिगजैग पाथ में फ्लो हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, जिगजैग पाथ में फ्लो हो रहा है, बात समझिएगा, कहां फ्लो हो रहा है, ये जिगजैग पाथ में, चार्ज में इतना कोलिजन देखने को मिलेगा, बहुत डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, भले ही हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे अलाइन कर रखा है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन्हें बहुत ज्यादा कोलिजन का सामना करना पड़ेगा, बहुत कोलिजन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, जिगजैग मोशन हो जाएगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रह पाएगी, मतलब उसके पास वेरिएबल वेलोसिटीज आएंगी, वो आएगा टकराएगा। हालांकि अपन ये समझे कोलिजन के बाद उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्फ्लुएंस इतना प्रॉपर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इतना प्रॉपर है कि उसको मूव करना है, मूव करने के लिए उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी लॉस नहीं हुई है, भले ही कोलिजन हुए, भले उसका पाथ डाइवर्ट हो गया है, भले उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट उसके पास आगे जाने के लिए एनर्जी है और वो आगे की तरफ मूव करेगा, एक जगह से स्टार्ट करेगा तो अपोजिट एंड तक पहुंच सकता है, बट उसका पाथ कैसा हो जाएगा, जिगजैग पाथ हो जाएगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इतने बार चेंज हुई है कि अब हम नहीं बोल सकते कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में उसका एवरेज वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है या जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अमाउंट ऑफ करंट से किस तरीके से रिलेटेड है, हमें वो जानना है। क्या जानना है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो ये जिगजैग मोशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये अमाउंट ऑफ करंट से किस तरीके से रिलेटेड है। समझ आ गया। चलिए मान लीजिए इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है बताइए, एन है। पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है। समझिएगा, इस एरिया का, इस जो रीजन हमने जो कंसीडर किया, इसका एरिया कितना है, ए है। इसका एरिया कितना है, ए। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ वो कितनी है, एक्स। इसकी विड्थ अपन ने क्या ली, एक्स। और ये जो दो कॉन्सिक्वेंस पॉइंट हो गए कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा और उसमें भिड़ंत हो गई, ये दो कंजुगेटिव कॉलिजन के बीच का गैप है। जो गैप है, दो कंजुगेटिव कॉलिजन के बीच का गैप, हमने इसको इतना थिन रखा है कि ये वो रीजन है जहां पे दोबारा अब इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा, कोलाइड होगा, कोलिजन होगा। समझिएगा, ये बहुत ही थोड़ी बनने क्या रखी है, विड्थ रखी है। समझिएगा, एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन वी वॉल्यूम, या अपन इसको डीवी बोल देते हैं यार, है ना, या अपन वी, कैपिटल वी
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम पी क्यू बोल देते हैं यार, पी क्यू, ठीक है ये, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम पी क्यू, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ पी क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्या, पी क्यू, समझिएगा। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन, तो पी क्यू वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ पी क्यू, तो बताइए पी क्यू का वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू विड्थ, ए इंटू क्या, एक्स, आगे समझिए। इसके बाद की बात करते हैं, हमको मालूम है ये दो कंजुगेटिव कोलिजंस के बीच का गैप है ये, ठीक है ना, एक्स, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी वो क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। तो मैं एक्स को क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्स को क्या बोल सकता हूं, मैं एक्स को बोल सकता हूं वीडी इंटू क्या, टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू क्या, टाइम। एक्स को मैं क्या बोल सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू क्या, टाइम। आगे बात करिए, आपके पास ये क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रो वॉल्यूम पी क्यू या क्रॉस सेक्शन ए, थ्रू क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम टी, समझ रहे हैं बात को, क्या देखा अपन ने, यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पी क्यू पूरे रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इन टू वॉल्यूम ऑफ पी क्यू, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम टी। तो देखिए जब इतने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई, एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, ई, तो इतने इतने मतलब इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, इतना इंटू ई, ठीक है ना, तो कितना आएगा चार्ज बताइए, ई इंटू एन इंटू ए इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, वी डी इंटू टी, ये आ गया भैया टोटल क्या चार्ज, इतना चार्ज फ्लो हो रहा उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो करंट कितना होगा, करंट मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला चार्ज अपॉन क्या, टाइम। तो आई इक्वल, चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, ई एन ए वी डी इंटू टी अपॉन क्या, टी, ऐसा हो गया, तो टी से डी कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल क्या हो गया, एन ई ए वी डी। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पे डिपेंड करती है, आई इज इक्वल टू क्या, एन ई ए वी डी, मतलब उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंड करता है, उस क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस तरीके से करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। आई का फॉर्मूला क्या आ गया, एन ई ए वी डी, आई का फॉर्मूला क्या आ गया, एन ई ए वी डी, करंट थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट अपॉन एरिया, तो जे इक्वल टू क्या आएगा, एन ई वी डी, जे क्या आएगा, एनी वी डी, समझ में आ गया। तो आपको क्या मालूम चले, कोई भी कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर है, अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट इस कदर होगा कि बहुत सारे कॉलिजन्स होंगे, उस कॉलिजन्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो लगातार वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, तो हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तो वो कैसे आएगी, उन सारी वेरिएबल वेलोसिटीज का जो रेस एवरेज है, दैट इज द क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में जो टोटल एंटायर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन की, वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल्स टू द क्या, एन ई ए वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये दो कंसिक्वेंस कोलिजंस के बीच का जो डिस्टेंस अपन ने लिया था वो एक्स लिया था, और इस टाइम पे टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाता है, जो अपन अभी आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में बात करेंगे। समझ आ रहा है आपको, बढ़िया कि नहीं आ रहा है। तो करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस तरीके से रिलेट करते हैं, जैसे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, ओम्स लॉ, समझिए क्यों लिखा है ओम्स लॉ, एक्चुअल में ओम्स लॉ ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ही प्रूफ करेगा। ओम्स लॉ का मतलब ये कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं और उसके एंड से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर के थ्रू कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और वो जो अमाउंट ऑफ करंट है और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अपन ने पढ़ा छोटी क्लास में वी प्रोपोर्शनल टू आई उतना परफेक्ट बात नहीं है, मेन बात यही है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और हम इस इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की हेल्प से वही चीज़ प्रूफ करने वाले हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम ओम्स लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं, समझिएगा बात को। ये मेरे पास कंडक्टर है,
और इससे मैंने ये कोई बैटरी अटैच कर दिया या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके इसको रख दिया। इस एंड का नाम है, इसका नाम भी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, कोई दो राह नहीं, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, और जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से इसके एंड्स पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसको पी क्यू बोलते हैं यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो ये हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, इसको लाके मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है, और ये जो है उस फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब भी हम किसी कंडक्टर को या चार्ज को, है ना, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो चार्ज कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर उस चार्ज का अमाउंट क्यू है और वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, उस पर कितना चार्ज, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू ई। उस क्यू ई फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आया है, यही जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं। मतलब इन पे ये फोर्स लगाने वाला कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, अगर चार्ज ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इंटू कैपिटल ई। अगर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। कितना होगा, क्यू इंटू ई, समझिएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जिनका मास हम एम ई कंसिडर कर लें, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को जिनका मास एम ई है, इनको एक्सेलरेट करने वाला कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो समझिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जिनका मास एम ई है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो इसका मेन जो कॉज है वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एम ई इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू कितना, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ई, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई, और वो सब कहाँ प्रेजेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ई इंटू ई, ठीक है ना। साथ ही साथ एक्सेलरेशन और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, आप देख पा रहे हो, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्यू टू पी। साफ साफ देख रहे हैं आप, एम ई इंटू ए, ए जो एक्सेलरेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहां पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। तो ये ए एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, माइनस ई ई अपॉन क्या, एम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। स्टार्टिंग में जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था, ठीक है ना, या जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया था, तब इसमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, जीरो। इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स में मोशन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। और अब मैं जो बात कर रहा हूं, जिस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, जिस गैप की बात कर रहा हूं, उस गैप में जो इलेक्ट्रॉन्स ने वेलोसिटी एक्वायर किया, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं दो कंसिक्वेंट कॉलिजन्स के बीच का डिस्टेंस, मैं बात कर रहा हूं दो कॉलिजन्स के बीच के गैप की बात कर रहा हूं, और दो कॉलिजन्स के बीच के गैप में जो टाइम लगता है ना, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है वो, रिलैक्सेशन टाइम। और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है ना, या मीन पाथ बोलते हैं, ठीक है ना, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, समझिएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आए, इलेक्ट्रॉन्स में मोशन स्टार्ट हुआ, और मोशन स्टार्ट हुआ तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से कॉलिजन्स स्टार्ट हुए। तो दो कंजिक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच का जो गैप है वो मीन फ्री पाथ कहलाता है, और दो कंजिक्यूटिव बीच के जो गैप में या गैप को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन।
क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी एक्वायर करता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो फाइनली वेलोसिटी एक्वायर किया वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, वो टाइम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाएगा। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो जो इनको इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉन्स को वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है भाई, vd है, v क्या है, vd। आगे समझो, u जीरो है और a कितना है, a है माइनस e अपॉन m, और t मतलब क्या, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन tau, ठीक है ना। तो vd की वैल्यू क्या आ गई, माइनस e tau अपॉन क्या, m। ये आ गया यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है ना। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस e tau अपॉन क्या, m। आगे समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप देख रहे हो अपोजिट द फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है, अपोजिट द फील्ड। चलिए खैर आगे बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो सारा कुछ हुआ ये किसकी वजह से हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। ये हमारे पास VD आ गया, हमको करंट का अमाउंट पता है, करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, NEA VD। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जस्ट थोड़ी देर पहले करंट का फॉर्मूला पढ़ा, NEA VD। तो I इज इक्वल्स टू आएगा NEA, और VD का क्या बताइए, माइनस E कैपिटल E अपॉन, उसका मैग्नीट्यूड बस यूज करते हैं, या EE अपॉन क्या आएगा, M tau, ठीक है ना। I इज इक्वल टू एनी ए वी डी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी कितना है, ई tau अपॉन क्या, M। तो आप क्या देख रहे हैं, N इज इक्वल टू कितना आएगा, एन ई ए, तो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए ई tau अपॉन क्या, M। ये आ गई करंट की वैल्यू। चलिए आगे समझिए, तो हमको मालूम चल गया इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। तो हमें यह भी जानना है कि आखिर इस कंडक्टर के एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, इन कंडक्टर के एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू अप्लाइड फील्ड इनटू सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। पढ़ा अपन ने पहले भी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द क्या, अप्लाइड फील्ड इनटू द सेपरेशन ऑफ बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, एल। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, e इनटू l। चलिए I भी मालूम चल गया और क्या, भी मालूम चल गया। हम आ जाए ओम्स लॉ में, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या वाकई में v अपॉन I कांस्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं v अपॉन I की, बात करते हैं v का वैल्यू कितना भाई बताइए, n e स्क्वायर a e tau अपॉन m e, और v की सॉरी v अपॉन I, v का वैल्यू कितना है, e इनटू l, सॉरी v का वैल्यू कितना है, e इनटू l, और I का वैल्यू है n e स्क्वायर a e tau अपॉन m, m ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। समझिए, e से e कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, v अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, m l अपॉन n e स्क्वायर a tau। अब आप बहुत ही गंभीरता से समझें बात को, ठीक है ना। I का फॉर्मूला क्या आ गया था, n e स्क्वायर a e tau अपॉन क्या, m। v अपॉन I कर रहे हैं अपन, n e स्क्वायर a e tau कर दिया था अपॉन m, तो e से e कट गया, ये बचा। अब नोटिस कीजिए, ये m क्या है मालूम आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के मास में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या ऐसा होता कि आपके घर में कनेक्शन हो चुका है, केबल डल गई है, 3-4 साल बाद वो केबल इतनी लंबी हो गई कि आप पूरे घर में फैला सकते हो, ऐसा हो जाता क्या, थोड़ी सी भी चेंज होती है, नहीं चेंज होती है, ये भी फिक्स है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन एक बार सेट हो गया तो क्या आपके यूज करने से उस कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्डर हो सकता है क्या, नहीं, ये भी कांस्टेंट है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब से आप पढ़ रहे हो, जब से मैं अपने जीवन में हूं, तो आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना सुना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्या इससे कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या लगा हुआ कोई केबल अपने आप पतला या मोटा हो जाता है क्या, नहीं, ये भी कांस्टेंट है। टाउ क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है, यही बहुत शॉर्ट वैल्यू है। तो कुल मिला के ये जो सारे पैरामीटर हैं, दीज आर कांस्टेंट। अगर इसकी हर वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वी अपॉन आई क्या है, कांस्टेंट। फाइनली वी अपॉन आई अपन को क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, और इसी कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया गया, रेजिस्टेंस।
इसी कांस्टेंट का नाम क्या हो गया, रेजिस्टेंस नाम हो गया। क्या नाम हो गया, रेजिस्टेंस। आया समझ में? हमने क्या देखा, भी अपॉन आई किया, हमको ये क्वांटिटी मिली, और सबको ही जानता है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस। इस तरीके से भी अपॉन आई क्या हो गया, आर हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्या, ओम्स लॉ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पूरी तरीके से ओम्स लॉ को सपोर्ट करता है, या कोई भी मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक वायर ओम्स लॉ को पूरी तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है कि वी अपॉन आई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर कोई भी फिजिकल चेंजेस ना हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। क्लियर, समझ गए बात को? सारे फिजिकल पैरामीटर अगर कांस्टेंट है तो वी अपॉन आई क्या होगा, फिक्स होगा। और चीज समझिए, आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने, रो एल बाई ए। क्या पढ़ा है, रो एल बाई ए, एल बाई ए को छोड़ दो तो ये एम ई अपॉन एनी स्क्वायर टाउ एल बाई ए, मतलब ये क्या है रो, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, ये आ गया रो। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन क्या, एम। तो ये हो गया भाई कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, सारा कुछ निकाल लिया आपने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कंडक्टर के लिए। समझ में आ गया आपको, ओम्स लॉ भी बढ़िया बखूबी प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम है। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ क्या, कंडक्टर, या स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्लियर हो गई चीज आपको अच्छे से, कोई भी ऐसा जो टर्म है जो समझ में ना आया हो, बढ़िया क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया, और रो सिग्मा और आर के आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल गए, ठीक है ना। इसको नोट करिए, और बात करते हैं। अब देखिए मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, मोबिलिटी समझिएगा। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है, इसके साथ साथ ही नई चीज दी है वी डी। आपको लगता है वी डी वेरिएबल है क्या, नहीं, लेकिन अलग अलग कंडक्टर में अप्लाइड फील्ड के हिसाब से, अप्लाइड फील्ड के हिसाब से वी डी एक्वायर अलग अलग तरीके से होता है, या अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन वी डी एक्वायर करते हैं, या अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। समझिएगा बात को, आई का फॉर्मूला क्या, एन ई ए वी डी। किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट मेनली डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ठीक है ना। ये सारे कांस्टेंट पैरामीटर तो है ही, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट मेनली किस पे डिपेंड करता है, वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझो, हम बार बार कह रहे थे कि कंडक्शन करंट मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम, या पर यूनिट टाइम, या इन वन सेकेंड। तो करंट का अमाउंट जरूर चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है, लेकिन ये भी समझ के चलिए कि उस मटेरियल में, उस कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, वो किस टाइप के हैं, उनकी मोबिलिटी का लेवल क्या है, उनके फ्लो होने का क्या लेवल है, वो किस रेट से फ्लो हो सकते हैं, या उन पे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, या उनको एक इन्फ्लुएंस प्रोवाइड किया जाए, तो उस इन्फ्लुएंस में वो कितना तेजी से क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है चार्ज कैरियर्स कौन है, और चार्ज कैरियर्स कितना ज्यादा फ्री है। समझिएगा बात को, जैसे आप देखते हैं मेटालिक कंडक्टर, इसमें कौन होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अपन बात करें किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस, पॉजिटिव भी और क्या, नेगेटिव भी। आगे समझिए, अगर वहीं बात करें आप सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के खाली होल्स होते हैं। समझ रहे हैं बात को, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन गैप्स होते हैं, जिनको अपन पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं, अगर वो मूव कर सकते हैं, तो वो कंडक्शन करेंगे, ठीक है ना। और वो तीनों मटेरियल में अलग अलग होते हैं, मेटालिक कंडक्टर में अलग होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में अलग होते हैं, और सेमी कंडक्टर में अलग होते हैं। और अलग अलग मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी मोबिलिटी भी अलग अलग होती है। मोबिलिटी इन द सेंस कि हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, या उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके एंड्स पे डेवलप किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद वो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर पाते हैं, दैट इज द मोबिलिटी, दैट इज द मोबिलिटी। तो किसी भी कंडक्टर में मोबिलिटी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बताएगी कि कंडक्शन कैसा होगा, अमाउंट ऑफ करंट क्या आएगा,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ करंट मेनली डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द मूविंग चार्ज कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना, चार्ज कैरियर्स इनका बोल सकते हैं अपन कहना चाहिए इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज कैरियर, ठीक है ना, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है, दैट इज द क्या करंट। समझ रहे हैं बात को? तो देखिएगा, तो मेन चीज क्या है इनकी, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं यार, मोबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, करंट के लिए मेन पार्ट क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करना ही क्या है, मोबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन सब कंडक्टर की मोबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, अप्लाइड इन्फ्लुएंस पे। जो आपने फोर्स दिया है उस फोर्स में कोई चार्ज कितनी जल्दी क्या करता है, अपने आप को मूव कराता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कराता है, दैट इज द क्या मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द मोबिलिटी, मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितनी जल्दी और कितने ज्यादा अमाउंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर फॉर दैट कंडक्टर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर, सॉरी मोबिलिटी ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इन अ कंडक्टर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कोई भी चार्ज कैरियर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर इनसाइड दैट कंडक्टर। क्लियर हुआ? तो मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मोबिलिटी। अब आगे समझो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, बात समझिएगा। हालांकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में भी कि चेंज इन टेम्परेचर, रेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज चेंज्ड। दोनों कंबाइन करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आर नॉट डेल्टा टी। और जब ही आप ये क्या कर देंगे, आर टी नहीं सॉरी चेंज इन आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द टेम्परेचर जीरो टू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। द चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड द चेंज इन क्या टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, तो चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्या आ गया, अल्फा आ गया। इसी को बोलते हैं अपन कॉफिशियंट ऑफ क्या, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल्टा आर को मैं क्या लिखूंगा, आर टी माइनस आर नॉट टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस या रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट को ट्रांसपोज कर दीजिए, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये देख लीजिए। इसके अलावा हालांकि रेजिस्टेंस के मामले में एक इक्वेशन ये भी देखने को मिलती है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये भी देखने को मिलती है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर। लेकिन ये कंडीशनल है। अगर हम बात करते हैं प्योर मेटल्स की, फॉर प्योर मेटल्स, फॉर प्योर मेटल्स, तो ये जो बीटा का वैल्यू है ये बहुत ही कम आता है। मेटल्स के केस में कॉफिशियंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या आएगा, या टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बीटा, वो लगभग लगभग नेगलेजिबल आता है ना, मतलब एकदम बहुत छोटा बहुत छोटा। तो प्योर मेटल्स के केस में ये जो बीटा का वैल्यू है बहुत स्मॉल रहता है, इसलिए पर इसको छोड़ देते हैं और आर टी का फॉर्मूला क्या बचता है, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनली टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू वन प्लस अल्फा,
चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीटा भी था टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, बट प्योर मेटल के केस में बीटा जैसे किसी क्वांटिटी का कोई वजूद नहीं है या नेग्लेजिबल है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और ये रिलेशन मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या रेजिस्टेंस इस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यही कहानी इसी को अपन आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू या आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसको बोल सकता हूं मैं डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इसको नीचे ले आइए, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू वन अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फा। ऐसे आप अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्मॉल इन्फाइनाइट डेसिमल सिस्टम में अगर वेरिएशन होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी वन अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू क्या अल्फा। तो अल्फा को आप इस तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं। क्या है अल्फा इधर पे, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ क्या रेजिस्टेंस, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सेम यही चीज रेसिस्टिविटी पे अप्लाई होती है, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी या डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल्स इंटू वन अपॉन रो नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फा। तो रेसिस्टिविटी पे भी उसी तरीके से डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी उसी तरीके से डिपेंड करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्या रेसिस्टिविटी। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस में चेंज होगा और रेसिस्टिविटी में भी चेंज होगा। आपने सुना होगा कि अगर अपन टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है या मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर अपन बात करें किसकी सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। और वहीं जैसे अपन एलॉय की बात करते हैं, अभी एलॉय का इंपॉर्टेंस भी देखेंगे आप जाके, नाइक्रोम वगैरह कॉन्स्टेंटन मैंगनेट वगैरह का अपन यूज करते हैं फ्यूज वगैरह बनाने में। अब तो हालांकि सेमी कंडक्टर का जमाना है, ठीक है ना, तो अब तो वो चीजें नहीं चलती, डायोड्स काम करते हैं। फिर भी बात करें अपन तो वहां पे क्या रहता है, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस राइज नहीं होता, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ एक लिमिट तक उसमें रेजिस्टेंस राइज नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को, एक फिक्स रेजिस्टेंस रहता है, तो टेम्परेचर चाहे बढ़ाएं या घटाएं बहुत ज्यादा अंतर उस पर नहीं आता। चलिए ग्राफ बताते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ गया आपको, मोबिलिटी भी क्लियर हो गया होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले बना लिए, क्यों बना रहे हैं सोचते रहते हैं, क्यों डेरिवेशन करते रहते हैं भाई यार, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी रहेगी इसके लिए कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल इसके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी करेंगे अपन, ठीक है। सो नोट करिएगा, वो ग्राफ देख लीजिए जो बताना चाहता है कि कोई भी कंडक्टर सेमी कंडक्टर है ना या एलॉय वाले सेमी कंडक्टर किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, समझिएगा। ये देखिए ये टेम्परेचर हो गया और ये क्या हो गया रेजिस्टेंस। अगर आप बात करते हो मेटालिक कंडक्टर की, किसकी बात करते हो मेटालिक कंडक्टर की, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप बात कर रहे हो ये कंडक्टर हो गया मेटालिक कंडक्टर, ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान ना देना, मेटालिक कंडक्टर, और ये हो गया आपका क्या सेमी कंडक्टर, क्या हो गया ये सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे आप क्या बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा रिड्यूस होता चला जाएगा, और ये कहला गया आपका क्या एलॉय कहला गया, क्या कहला गया एलॉय। एलॉय में तो क्या हो गया आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ ज्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया से क्लियर हो रहा है। एक फिक्स टेम्परेचर पर भी इनका रेजिस्टेंस क्या रहता है हाई रहता है, ठीक है ना, समझिएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर की वजह से कंडक्टर सेमी कंडक्टर और क्या एलॉय में वेरिएशन होता है, समझ आ गया आपको बढ़िया से। ओम्स लॉ भी क्लियर हो गया यहां तक, बढ़िया शानदार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए या जो प्रॉब्लम मैं भेज रहा हूँ वो सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, और इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।